अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग जी। आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट होता है बहावलपुर यजमान मंडी से। इस टाइम हम बैठे हैं मेन बाज़ार में। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से हो गया। चाय का वेट था और चाय हमारी आ चुकी है। छोटा कप भी सही लेकिन चाय होनी चाहिए बस। इनकी चाय भी काफ़ी अच्छी थी, यहाँ की मतलब कि आजकल के तौर पर यही फेमस चाय चलती है। चाय पी है उसके बाद निकल पड़े हैं हम एक गाँव की तरफ। यजमान के पास ही छोटा सा गांव 54 DB, यहाँ पे गांव का नाम DB होता है, तो वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे रहता है हमारा एक पुराना दोस्त। मैं और हनी जा रहे हैं बाइक पे। मौसम काफ़ी अच्छा है, सर्दी सर्दी वाली फीलिंग आ रही, तो हमने बाइक खींची और निकल पड़े हैं। यहाँ पे हम पहले बहुत आया करते थे और लेकिन अब तो 3-4 साल बाद मैं आ रहा हूँ। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये दीवार भी मतलब ये स्कूल के लिए दीवार की गई, ये भी नहीं बनी थी। ये सारे का सारा डेजर्ट एरिया है, टिब्बे जिसे कहते हो आप, रेगिस्तान एरिया है सारा, सारा चेंज हो गया। ये घर है हमारे दोस्त का। बहुत देर बाद आया हूँ मैं, वरना यहाँ तो हर हफ्ते में 2-3 दिन पार्टी होती थी। दोस्त के पास बैठे हैं, बात साथे किए और वापस आते आते हमें हो चुका था अंधेरा। काफ़ी टाइम हो चुका है, सर्दियों की रातें हैं, जल्दी अंधेरा हो जाता है। ये देखें, ये यजमान के अंदर 2 ही बाज़ार पाए जाते हैं, जिसके अंदर से एक तो ये बाज़ार है जिसे कहते हैं सदर बाज़ार। 2 ही शॉपिंग वाली चीज़ें हैं। उसके बाद ये आ जाता है थोड़ा सा मेन रोड। यजमान बहुत छोटा सा शहर है, शहर क्या आप इसे गांव ही कह सकते हैं, तो छोटे से एरिया में हर चीज़ बनी हुई है। ये इसका आ गया मेन चौक, थाना मोड़ जिसे कहते हैं। यहाँ पे बैंक, शॉप्स, बेकरीज, फास्ट फूड कॉर्नर, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, हर चीज़ मिलेगी छोटे से एरिया में। उसके बाद आ गया ये मेन बाज़ार। मेन बाज़ार है ये, मतलब कि दूसरा बाज़ार आ गया और यहाँ पर बस बाज़ार ख़त्म हो जाता है। यजमान यहाँ पर हो जाता है जी ख़त्म। ये होटल आ गया जहाँ पे हम बैठे थे और अभी वापस आके भी यहीं पे बैठ जाएंगे। और ये आ गई शेखों की शॉप, मतलब कि मेरे दोस्त जोन से हैं, ये है उनकी जी शॉप। रुके हैं आके, सबसे पहले पानी पिया है, प्यास बहुत ज़्यादा लग चुकी थी घूम फिर के वाला। बड़ी देर से हम घूम रहे हैं और रात के 9 बज रहे हैं तकरीबन। पानी पिया है, कोई सांस लिया है। उसके बाद यहाँ पर महफिल स्टार्ट हो जाती है। दिन के टाइम यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, सब लोग खाली होता है। पहले भी यहाँ पर कुछ नहीं होता था, लेकिन जब से ये होटल बनाया ना तो यहाँ पे माशाल्लाह रात को ऐसे ही रौनक होती है, लूडो चलती है और सारे दोस्त आके बैठे होते हैं। एक ही हो गया, फड्डा हो गया। और ये फड्डा आज ही हुआ है, ये फड्डा डेली नहीं होता होता वैसे वैसे से डेली यहाँ पे महफिल ही लगती होती है। बस बैठे हैं पास, देख रहे हैं महफिल और क्या करना है, इन्जॉय कर रहे हैं साथ महफिल भी और जो फड्डा हुआ है वो भी। उसके बाद यहाँ पर महफिल चलती थी है, ये लास्ट गेम चली है जी रात को और तकरीबन रात के 10 बज चुके हैं। ये गेम विन हुई है, सारे दोस्त ही बैठे हैं। ये लो जी, ये पार्टी जीत गई है। बस ऐसे महफिल लगाते हैं। उसके बाद हम निकल पड़े खाना खाने। रात 10 बजे का टाइम है। ये चारों भाई हैं, अभी पांचवा भाई इनमें से शॉर्ट है। खाने के टाइम पर रात को हमें यही सिज्जी फ्रेश मिल सकती थी, तो हमने इसी का मूड बना लिया कि सिज्जी खाते हैं। पहले हमारा प्लान था कि होटल में बैठ के खाते हैं, लेकिन फिर हमारा प्लान चेंज हो गया। हमने अपना पार्सल लिया और चुप करके निकल पड़े हम अपने घर की तरफ। ओए सुबह से शूज़ पहने हुए हैं, पाँव ऐसे हैं जैसे है ही नहीं साथ। क्या हालत पूरी हो गई है जी, सारा दिन खुआरी काट काट के। ये देखो इनके टिंडे पिंडे भी बाहर बैठे। ओए हेलो, कोई नहीं सुनता। हाय जी, बहुत थक हो गया आज, एक दिन में बहुत खुआरी की है। अभी सुबह की वर्क भी करनी है, सुबह हमने जाना है बहावलपुर। खाना छाना खा लिया, नींद मुझे बड़ी आई हुई है। दोपहर को भी सही से सो नहीं हुआ था, लेटे ही थे आके। बस अभी और आधे घंटे के अंदर अंदर सो जाना है। सुबह 4 बजे का उठा हूँ मैं, रात के 11 बज चुके हैं। तो यजमान में हमने घूम फिर लिया। आज का हमारा भारत जाने का प्लान था लेकिन नहीं किए, अब हम जाएंगे कल। तो इंशाल्लाह कल का व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगा। आज के व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें, ताकि आने वाले व्लॉग भी आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।